आज चकुली बनाएंगे। चकुली बनाने के लिए देखिए, इस ग्लास से माना बड़ा लंबा वाला ग्लास होता है ना, उसमें 5 ग्लास चावल का आटा और 1 ग्लास बुगरा लेके मिक्सी में ऐसा नाइस पाउडर कर लिया है। अभी इसको एक बर्तन में पानी डाल रही हूँ, 3.5 उसी ग्लास से, 3.5 3.5 ग्लास पानी, 1, 2, 3 और आधा, 3.5 ग्लास पानी। उसी पानी में नमक, 1 मुट्ठी नमक, तिल, वाइट तिल, 1 मुट्ठी लाल मिर्ची पाउडर, 1 स्पून हींग, ML तेल या 1 kV तेल डाल रही हूँ। इसको बॉयल होने देंगे और ये जो आटा और बुगरा लिया है ना, वो इसी में डाल रही हूँ। पानी बॉयल होते ही इसी में डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। देखिए ऐसा, गैस बंद करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। फिर ये मिक्स किया हुआ आटा एक बर्तन में थोड़ा थोड़ा लेके, देखिए ऐसा रहता है वो मिक्स होने के बाद, थोड़ा सा पानी ऐसा चिमटा करके इसको अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। देखिए ऐसा, अभी ये चकुली का मशीन में ग्रीस कर रही हूँ, अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसको भी ग्रीस कर लेते हैं, ये इसका प्लेट। और एक प्लास्टिक को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, इसी के ऊपर हमको चकली डालनी है तो इसलिए इसको भी ग्रीस कर लेंगे। अभी इस मशीन को सेट कर लेते हैं। जो आटा गूंज के रखा है ना, उस आटे को अभी इस मशीन में डाल रही हूँ। देखिए ऐसा, फिर इसको ऐसा बंद करके देखिए ऐसा घुमाएंगे, टूटेगा नहीं, कितना सुंदर आ रहा है। ऐसा मैं 3 सर्कल का बना रही हूँ, आप चाहिए तो 2 सर्कल का भी बना सकते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार। मैं यहाँ 3 सर्कल का बना रही हूँ। देखिए ऐसा, जो फर्स्ट एज है और लास्ट एज दोनों मिलने से देखने में सुंदर लगता है चकुली। देखिए ऐसा, जो अंदर का कटिंग है और वो बाहर का कटिंग दोनों एक ही स्थान पर आने से चकली राउंड शेप में देखने में सुंदर होगा।
देखिए अभी इस पेपर में जितना उसमें डालने का है, अभी मैं सब चकली तैयार कर लिया है। अभी इसको तलेंगे। तेल गरम हो गया है, मीडियम आंच में रख करके एक एक करके इसमें डालेंगे। सात ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, सात चकली डाल के फौरन करछी इसमें नहीं डालना है, एक मिनट छोड़ के ही डालने के फौरन बाद करछी नहीं डालना है। देखिए एक मिनट छोड़ के ऐसा धीरे धीरे एक एक चकली को घुमाएंगे। देखिए ऐसा अच्छी तरह से इसको जगह चाहिए, इतना ही बनेगा इसमें। ऐसा घुमाते बबल्स जब तक स्टॉप नहीं होगा तब तक हमको घुमाते रहना है। देखिए बबल सारा कम हो गया है, अभी इसको निकाल देते हैं। देखिए एक चकली भी टूटा नहीं है, कितना सुंदर कलर आया है। देखिए अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाल दिया है, कितना सुंदर राउंड राउंड क्रिस्पी चकली रेडी।